जिजारा क्षेत्र के टपोड़ा ग्राम पंचायत की टंकी वाली गली में हालात ऐसे हो रहे हैं कि लोगों का निकलना भी दुर्लभ हो गया है। यहां के विधायक मामन सिंह यादव और पंच और सरपंच राज नेताओं ने चुप्पी साधी है। सड़क मार्ग पर जल भराव से आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि बाइक सवार व गुजरने वाले राहगीरों को आए दिन फिसल कर इसमें गिर जाते हैं, जिससे आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सरपंच मुकेश मित्तल को भी अवगत कराया, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया। पानी की बहुत समस्या है, 2-2.5 महीने से भरा हुआ है। यहाँ 70-80 फुट जगह में यहाँ से औरत बच्चा महिला सबसे निकलना मुश्किल हो रहा है। 10-15 गांवों के लिए रास्ता जाता है। पानी में गंद आ रही है बहुत ज़्यादा। ये शिविर वगैरह का लेटरिन वेटरिन का पानी से गंदगी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। इधर उधर बच्चा भी बीमार बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। कई बार ग्राम पंचायत को भी अवगत कराया है, ग्राम पंचायत ने ध्यान नहीं दिया। एक नाला बनवाया था कुछ दिन पहले ग्राम पंचायत ने, उस नाला में पैसा लगाया, कुआं में डाला नाला ले जाके, उस नाले में भी ये पानी नहीं गया। इन यहाँ मन मर्जी जो आए इनके वो करे है, सफाई साफ सफाई वाला कोई ना आए। पानी गरीब बस्ती है, दलित वर्ग ज़्यादातर, दलित वर्ग होने की वजह से इनका दबदबा है। इनसे कहने की दलित वर्ग में हिम्मत नहीं है, इनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है। वार्ड पंच भी उदासीन है बिल्कुल। वार्ड पंच का रवैया सरपंच के हिसाब से है, वो सरपंच चाहे जो करे। उनसे कही हमने, वार्ड पंच से भी कही तो वार्ड पंच 1-2 दिन में हो जाएगा, सरपंच ने भी पहले 2 दिन में हो जाएगा, 15-20 दिन पहले कहा था। उससे पहले कई बार हम नायब साहब को भी मौखिक रूप से कह के आया, लेकिन आज तक उन चीज़ों को हम नहीं किया गया।